उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। कलेक्टर ने दिए घटना की जांच के आदेश। एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच। महाकाल लोक फेज टू के काम के दौरान बनी नई दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। तेज बारिश और पानी निकासी बंद होने से यह दीवार गिर गई। दो लोगों की मौत और पांच लोग पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक दीवार ढह गई। नई दीवार बनाई गई थी और वो ढह गई, जिसके नीचे मलबे में सात लोग दब गए। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब एसडीएम पूरे मामले की जांच करेंगे। महाकाल लोक फेज टू के काम के दौरान ये नई दीवार बनी थी, जिसके गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, ये जो हादसा हुआ, पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं, पहले तो घायलों की स्थिति क्या है, इस पर अपडेट दीजिएगा। और साथ ही साथ ये बताइए कि जो महाकाल के लोक के प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है इस पर। बिल्कुल, जिस प्रकार जो कल रात को मूसलाधार बारिश के चलते जो हादसा हुआ, तो गंभीर हादसा था, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी और कुछ लोग घायल हैं, जिनका सबसे पहले उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज किया गया, उसके बाद वहां से उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। लेकिन ये हादसा, हम आपको हादसे की जो जड़ बता रहे हैं, ये जो दीवार बनी हुई है, दीवार के ऊपर एक दीवार बनाई गई थी और उसके पीछे जो महाराजवाड़ा क्रमांक तीन का जो निर्माण होटल के माध्यम से हो रहा था, उसके पीछे भी दीवार बनाई दी गई है। और जो पानी का, जैसे बारिश का पानी आता है तो पूरा यहाँ पर जाएगा, और पीछे है काली मिट्टी और एक गड्ढा है, जिसके कारण पूरा पानी उसमें भर गया। और भरने के बाद पानी की निकासी तक यहाँ पर इंजीनियरों के द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते ये बड़ी सी घटना हुई है। घटना में दर्दनाक दो लोगों की मौत भी हुई है। और क्या कहते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, समाज से भी हमारे साथ इस समय नरेंद्र अकेला जी भी, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, एक दुखद हादसा, ये महाकाल मंदिर की जो दीवार गिरी, उसमें दो लोगों की जान भी गंवाना पड़ी, क्या कहेंगे? देखिए, महाकाल लोक जब से बना है, तब से हमारा महाकाल लोक पूरे देश का, पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। तो प्रशासन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी छोटी से छोटी भी घटना यदि यहाँ होती है तो पूरे देश में उसकी खबर जाती है। अभी आपने जैसे देखा होगा कि महाकाल मंदिर में जो केक कटा, ये दीवार की बात करें, क्योंकि जैसे केक कटा, तो केक कटने की घटना पूरे देश में गई। आज दो लोगों की जो मौत हुई है, इस घटना को आप सामान्य घटना मत लीजिए। यह शहर की घटना नहीं है, यह महाकाल लोक के आसपास की घटना है। ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, आम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बारिश में ये मिट्टी धंस जाएगी, ये दीवार गिर जाएगी। तो सवाल ये है कि हमारे अधिकारियों को, वे अधिकारी जिन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया होगा या जिनके इशारे पर यह काम हो रहा है पूरा, तो उन्होंने क्या देखा? सर, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही इंजीनियर की भी है, क्योंकि इंजीनियर का काम है पूरी मॉनिटरिंग करना, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन करना, उसके बाद काम कराना, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो इंजीनियर की कहलाएगी। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस इंजीनियर ने यहाँ काम देखा और जो मॉनिटरिंग बॉडी है जो काम कर रही थी, उसको ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर क्या लापरवाही हो रही है और क्या भविष्य में हो सकता है। इंजीनियर की लापरवाही है। और एक बार हम और चीज़ आपको दिखाते, क्योंकि अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर ही हैं। जिस प्रकार जो कल हादसा हुआ था, रात्रि कालीन तक यहाँ से मलबा हटाया गया, नगर निगम का अमला, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का यहाँ पर मौजूद था, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मलबे को हटाया। और उसके बाद भी यहाँ पर जिस प्रकार जो रात्रि कालीन में जो दिव्य भस्म आरती होती है, उसके लिए आम श्रद्धालुओं को इसी रास्ते से लाया जाता है, लेकिन कल घटना के बाद इस रास्ते को पूरी तरह बैरिकेडिंग के माध्यम से बंद कर दिया गया और भस्म आरती के जो श्रद्धालु, उनको दूसरे गेट से अंदर किया गया है। और एक दृश्य हम आपको ये दिखाते हैं, जो गाड़ी है, ये दो पहिया वाहन है, ये भी वहीं खड़ा था। आज उस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। जब गाड़ी की ऐसी हालत हो सकती है, तो जो आम व्यक्ति, जो यहाँ पर दुकानदार थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। और ये दुकान है जस्ट दीवार के पास में, आप दुकान देख सकते हैं, इसकी भी क्या हालत हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं जो भी उस समय के अधिकारी जिन्होंने ये बारिश की वजह से, कहा जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी जिस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कितनी परेशानी हुई वहां से मलबा हटाने में, और क्या वहां पर लोग अब जब पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते को तो बंद कर दिया गया है, तो कौन सा वो रास्ते है, किस रास्ते से जो लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, रास्ते बाबा महाकाल के दरबार में जाने के लिए अनेकों रास्ते हैं। एक महाकाल लोक होते हुए जाता है, एक दूसरे फेज का जो अब नीलकंठ द्वार है वहाँ से जाते हैं, मुख्य द्वार के यहाँ से जाते हैं, एग्जिट गेट के यहाँ से जाते हैं। ये द्वार जो है 4 नंबर गेट के पास कहलाता है। 4 नंबर गेट को अभी फिलहाल पूर्णतः बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग के माध्यम से यहाँ पर पूरा रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी आना जाना नहीं करेगा जब तक अधिकारी यहाँ पर दिशा निर्देश नहीं देते हैं। लेकिन ये जो कल बड़ा हादसा हुआ, बड़ा हादसे के चलते लापरवाह जो भी अधिकारी हो, जो भी इंजीनियर हो, उसको तो कार्रवाई होगी। इसकी खुद कलेक्टर ने टीम गठित की है और उसका जो जांच प्रभारी बनाया है वो SDM को बनाया है और जो उसमें घायल हुए उनको 50,000 रुपए मुख्यमंत्री जी की सहायता राशि दी गई है और जो 2 लोग मृत हुए हैं उनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐलान तो कर दिया गया सहायता राशि का, लेकिन किस वजह से यह हादसा हुआ ये जांच का विषय है और साथ ही साथ जो जिम्मेदार है उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका।